स्वार्थ जहां है वहां प्रेम नहीं है। आप भले तुम कितना भी आई लव यू कहते रहो, पर वो केवल शब्दावली है, वहां प्रेम नहीं है। क्यों मैया? कितने लोग बात से सहमत हैं कि जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ हो ही नहीं सकता। जहां दिन होगा, जहां दीपक होगा, जहां लाइट होगी, वहां अंधकार नहीं हो सकता। सूर्य भी हो और अंधकार भी हो, क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? उसी तरह स्वार्थ भी है और प्रेम भी है, नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ है तो प्रेम उठकर चला जाएगा, और यदि प्रेम है तो स्वार्थ उठ करके चला जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब मैया ने बोला कि मैं अपने बच्चों से प्रेम करती हूं। अब जरा इसको समझते हैं। मैया सच्ची बताना, आपको अपने बच्चों से कोई स्वार्थ है या नहीं सेवा का? बोलो सच्ची बताना, बिल्कुल आपको अपने बच्चों से स्वार्थ है या नहीं? हां या ना उत्तर देना है। है क्यों? आपको अपनी पत्नी से स्वार्थ है या नहीं? हां या ना उत्तर नहीं। आपको अपने मां बाप से स्वार्थ है या नहीं? हां या ना? जो माँ बाप अपने बच्चों को जमीन जायदाद देने से मना कर देते हैं, वो बच्चे माँ बाप को मार तक डालते हैं, मर्डर कर देते हैं। हाँ, बात सही है। इस संसार के किसी भी रिश्ते को आप अभी जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे होंगे, पर घर पर विचार कीजिएगा, इस संसार में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के जुड़ा है? बता दो एक रिश्ता। मां बाप को भी बच्चों से स्वार्थ होता है, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। स्वार्थ, जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। व्यवहार में प्रेम कहा जाएगा, हम कुछ परसेंट प्रतिशत मान भी सकते हैं कि 10-5% प्रेम है, ठीक है ठीक है, लेकिन रियल प्रेम की परिभाषा यहां लागू नहीं होगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मैं प्रेम चाह, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, जोर से राम ही केवल। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। कैसा प्रेम? बिल्कुल निस्वार्थ, स्वार्थ ना। आजकल लोग भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो स्वार्थ लेकर जाते हैं। इसलिए आज की भक्तों की भक्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि भक्ति का जो अर्थ है वो ये है ही नहीं कि तुम मांगने जाओ। भगवान के द्वार पर लेने नहीं जाना होता, जहां लेना है वो प्रेम नहीं। मैंने क्या बोला पहले? जहां लेने का भाव है वो प्रेम नहीं हो सकता। मंदिर लेने के लिए नहीं, अपने आप को देने के लिए जाओ। प्रभु में आ गया, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए अपने आप को सौंप दो, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो, ये प्रेम है। तुम देने तो कुछ गए नहीं, लेने और चले गए। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये। और इसे तुम कहते हो भक्ति, इसे तुम कहते हो पूजा। इसलिए दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, कहते हैं पाखंडी हो गए हो, क्योंकि तुम ना तो बात जानते हो क्या है। मैं स्वार्थी तो हूं, पर मैं ये कहने से बचता हूं कि मैं स्वार्थी हूं। आज के जमाने में आपकी समस्याएं क्या है? आप एक नंबर के स्वार्थी हैं, पर आपको डायरेक्ट कहा जाए क्यों आप स्वार्थी हो, आप मना कर, नहीं जी मैं स्वार्थी नहीं हूं, जबकि हो, आप एक नंबर के कामी हो, लेकिन आपको कहा जाए डायरेक्ट इंगित करके तुम कामी हो, नहीं जी आप मना, नहीं महाराज जी क्या बात करें, मैं कामी हूं क्या, आप मना कर देंगे। आप एक नंबर के क्रोधी हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि आप क्रोधी हैं, आप तुरंत मना कर, नहीं जी मैं क्रोधी नहीं हूं। मतलब आप हैं जैसे, आप हैं कुछ और दिखना और दिखाना चाहते हैं कुछ और, इसी का नाम है कपट। आप हैं कुछ और दिखाना चाहते हैं
पूतना थी राक्षसी, पर भगवान के सामने गई थी बड़ी सुंदरी बनकर, इसलिए आंखें बंद कर ली थी। भगवान कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ही मेरे द्वार पे आओ और मेरे चरणों में समर्पण कर दो। जैसे गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो गंदा होता है, गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसा होता है बोलो, गंदा, मलमूत्र में भीगा होता। फिर गौ माता क्या करती है, उसे चाटती है और चाट चाट करके पूरे शरीर को उसके बिल्कुल पवित्र कर देती है। बछड़ा क्या खुद को साफ कर सकता था, उत्तर दो, कर सकता था, कर सकता था? जैसे बछड़ा खुद को साफ नहीं कर सकता था, उसी तरह आप और हम भी काम क्रोध लोभ मोह इन बुराइयों में भीगे हैं। हम अपने को साफ नहीं कर सकते, बछड़े को साफ केवल गाय कर सकती है। उसी तरह भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण जिस दिन कर दोगे तो भगवान ही आपको साफ कर देंगे। आपके अंदर की प्रत्येक बुराई तुम ना धुल पाओगे। तुम सोचो कि मैं काम को समाप्त कर लूं, क्रोध को समाप्त कर लूं, लोभ को समाप्त कर लूं, अपने अंदर के अहंकार को मिटा लूं, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मिटाएंगे तो भगवान, उनकी शरण में रहोगे तो वो जैसे गाय बछड़े को चाट कर पवित्र करती है, वो ही तुम्हारे दोषों को समाप्त कर सकते हैं। तुम अपने दोषों को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने से दोष समाप्त ना करो, अपने आप को तो उठाओ और भगवान के चरणों में बछड़े की तरह डाल दो। हम आपके, जब तक समर्पण ना होगा तब तक सदगति ना होगी। गोपियां भगवान से क्या करती हैं, जोर से प्रेम, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और प्रेम की परिभाषा क्या है, स्वार्थ ना हो। इसलिए गोपियां क्या करती हैं, वृंदावन में गोपियां हैं और श्री कृष्ण हैं मथुरा में। अब बताओ, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिसे बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो आपसे 10 किलोमीटर दूर हो और आप बहुत प्रेम करते हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो फिर बताओ आप क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, जाके मिल लोगे, 10 किलोमीटर दूर होगा तो। भाई कोई आपसे 10 किलोमीटर दूर हो और आप उससे बहुत प्रेम करें तो 10 किलोमीटर दूर कितना दूर होता है भाई, पैदल भी जाएंगे तो 2-3 घंटे का रास्ता है, 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे लगभग, क्यों जी, बात सही है। तो गोपियां यदि कृष्ण से प्रेम करती थीं तो मथुरा मिलने क्यों नहीं चली गई, सवाल ये खड़ा हुआ, वो रोती क्यों रही, बताओ जरा, वो क्यों नहीं गई मथुरा मिलने? आप प्रेम करते किसी से और आपका प्रेमी या प्रेमिका 10 किलोमीटर होती तो आप तो जरूर जाते, क्यों नहीं गई गोपियां? क्योंकि यदि मैं आप तक पहुंचूंगा आपसे मिलने तो वो स्वार्थ हो जाएगा, वो मेरा स्वार्थ है कि मैं आपके बिना रह ना पाया। यदि आप कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा तो जिम्मेदारी आपकी है ना आने की, यदि मैं आती हूं या मैं आता हूं तो ये होगा, अच्छा गोपियों को लगा कि यदि कन्हैया मेरे बिना प्रसन्न है तो मैं जा करके उनकी प्रसन्नता में बाधा नहीं बनना चाहती, ये प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं, मिलने का भी स्वार्थ नहीं। हम आपसे प्रेम तो करते हैं पर आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चाहोगे तो मिल लो, वरना देखो प्रेम कैसा है, प्रेम में ये जबरदस्ती नहीं है, नहीं आओ हमसे मिलो,
आजकल के लड़का लड़की प्यार करते हैं ना, तो वे एक दूसरे को अकेले में बुलाते हैं, पार्क में आ जाना, और ना आए तो फिर वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं कि आए नहीं। वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो ये है कि हम आपसे प्रेम तो करें पर आपसे मिलने की चाह भी ना रखें। प्रेम बिल्कुल विशुद्ध चीज है, पवित्र चीज है। प्रेम कोई स्वार्थ, प्रेम अच्छा बताओ, इस संसार में यदि आपको प्रेम का उदाहरण देना हो कि प्रेम उनकी तरह हो, किसकी तरह? गोपियों का तो नाम सुन रखा है आपने, गोपियों की तरह प्रेम हो, भरत जी की तरह प्रेम हो। इस कलयुग में आज 2024 चल रहा है, यदि आज की बात करूं 2024 में यदि आपको किसी प्रेमी का एग्जाम्पल देना पड़े कि प्रेम हो तो ऐसा, तो किसका उदाहरण दोगे? प्रेम का एक उदाहरण है जीता जागता, और वो उदाहरण है मछली। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? अरे जिसके बिना जी पाए, जिसके बिना हम जी पाए वो प्रेम नहीं है, जिसके बिना जी ही ना पाए वो प्रेम है। आप जी गए तो प्रेम कहां था? आप मछली मर गई, इतना प्यार है उसे पानी से कि वो रह नहीं सकती, निकलते ही छटपटाने लगती। दूसरा उदाहरण, पहला एग्जाम्पल प्रेम का मछली है जो पानी के बिना नहीं रह सकती। दूसरा एग्जाम्पल आप हैं, आप सब जो प्राणों के बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना आपको जरा देर के लिए पानी में डुबा दिया जाए तो आप मछली की तरह, मछली को पानी से निकालो तो छटपटाती है और आपको पानी में डुबाओ तो छटपटाते हो। दोनों की स्थिति एक सी है, वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और आप पानी के भीतर नहीं रह सकते। आपको चाहिए ऑक्सीजन, क्या आप उसके बिना रह पाओगे? जिसके बिना रह पा रहे हो वो प्रेम नहीं है, जिसके बिना रह ही ना पाए वो प्रेम है। आप किसके बिना नहीं रह पाते? आप बेटे के बिना रह लेते हो, पति के बिना रह लेते हो, परिवार के बिना रह लेते हो। आपकी आंख खराब हो जाए, आंख के बिना रह लोगे? हाथ खराब होगा, पांव खराब होगा, आप सबके बिना रह लोगे? लेकिन आप अपने प्राणों के बिना, आप अपने ऑक्सीजन के बिना नहीं, प्राण वायु के बिना नहीं रह सकते। मतलब हम प्रेम किससे करते हैं? प्राण वायु से। एक क्षण के लिए ना मिले तो आप अपनी स्थिति देख लीजिएगा। जिसके बिना रहा, आप सोएं, आप जागते हो ना तो बेटे से प्यार करते हो, पर सोते हो तब नहीं करते हो। लेकिन ऑक्सीजन सोते हो तो भी आपको चाहिए, तो भी आप लेते रहते हो। हाँ या ना? जिसके बिना रहा ना जाए वो प्रेम है। दो एग्जाम्पल हमने आपको दिए, तीसरा आपके दिमाग में हो तो आप अपने आप को दीजिएगा। प्राण और जल, भोजन के बिना भी रहा जा सकता है, पानी के बिना भी रहा जा सकता है, सच्ची बताओ प्राण के बिना रहा जा सकता है? हाँ, इसलिए जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। इसलिए गोपियां मिलने नहीं गईं, क्योंकि प्रेम था, स्वार्थ होता तो मिलने भी चली जाती, स्वार्थ तो था ही नहीं। इसलिए भगवान के द्वार पे जाओ तो लेने नहीं, क्या जाओ? लेने जाओ कि देने? बताओ भगवान के मंदिर क्या करने जाना चाहिए? लेने?
या देने? क्या देने? मिठाई? आप लोग तो मिठाई देने जाते हो, माला देने। मैया लोग तो, भैया लोग ऐसे करते हो, माला लेंगे, बड़ा हार, और भगवान जी की, बिहारी जी का मंदिर आप गए और जैसे ही पर्दा खुला, लोग ना मिठाई का डिब्बा, माला भगवान जी की तरफ फेंक देते हैं, इतनी जोर से कि बिहारी जी के जाके भले लग जाए। ये लोग इसको कहते हैं कि हम बड़े भगत हैं। ये कोई भक्ति है? ये तुम्हारी मूर्खता है। हमारा सनातन धर्म इतना अज्ञान में नहीं था जितना आज हो गया है। जिसे तुम भक्ति कह रहे हो उसका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के मंदिर जाने का मतलब क्या है? लेने नहीं। आज लेने वालों की भीड़ लगी है, आज उस मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है जिस मंदिर से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि मनोकामना पूरी ना हो तो मंदिर में कोई झांकने ना जाए। आज का आदमी भगवान के भक्ति और भगवान के मंदिर भी तभी जाएगा जब कुछ लेना हो, वरना काहे जाएगा। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मंदिर जाया करो, लेने नहीं। हे प्रभु, हम बिहारी जी के पास आए हैं। हे बिहारी जी, हम आपसे कुछ लेने थोड़ी आए, कुछ मांगने थोड़ी आए। आज हम आपको, आपसे कुछ लेने नहीं, आपको देने आए हैं। और देने क्या? फूल नहीं। फूल तुम क्या दोगे इसमें बताओ? रंग पेंट तुमने किया कि तुम्हारे दादा परदादा ने किया कि भगवान ने किया? इसको पीला किसने बनाया? जिसने ये पुष्प बनाया है, तुम उसी का बनाया पुष्प उसे तोड़ कर देते हो और कहते हो भगवान इससे खुश हो जाएंगे। वाह, बहुत चतुर नहीं हो आप लोग। नारियल उसने बनाया, उसी का उसी को पकड़ाया और कहा कि हमारा काम बन जाए। कुछ ज्यादा ही चतुर नहीं हो गया आदमी? मिठाई, हे भगवान हमारा काम हो गया, 11 करोड़ लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू में जो शक्कर पड़ी है, शक्कर बनती है गन्ने की, गन्ना में मिठास तुमने भरी थी कि तुम्हारे दादाजी ने? जिसने गन्ने में मिठास भरी उसे तुम लड्डुओं का स्वार्थ दे रहे हो कि हमारा काम होगा तो हम 11 करोड़ लड्डू चढ़ाएंगे। तुम भी ना भगवान को रिश्वत बहुत देते हो और भगवान रिश्वत खोरों से दूर रहते हैं। देना है भगवान को तो फूल नहीं, हार नहीं, मिठाई नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। पैसा क्या दोगे उन्हें जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो? आप क्या पैसा देते हो, क्या पैसा दे सकते हो? उनके पांव तो लक्ष्मी, वो लक्ष्मी पति हैं, उन्हें तुम क्या पैसा दोगे? भगवान को देना है तो पुष्प नहीं, नारियल नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, रुपया पैसा नहीं। देना है तो अपने आप को पवित्र करके, निर्मल करके, निःस्वार्थ बना के अपने चित्त को, मन को, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु आज मैं तुलसी लेकर नहीं, पुष्प और हार और माला और रुपया और पैसा लेकर नहीं, आज मैं खुद को लेकर आया हूँ। बिहारी जी मुझे जैसे पापी को स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं अपने आप को समर्पित करने आई हूँ या आया हूँ। हे प्रभु मुझ पापनी को, मुझ पापी को, मुझ अभागे को, मुझ अभागनी को, मुझ पतित को स्वीकार कीजिए। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट के पवित्र करती है, हे नाथ मुझे भी आप स्वीकार कर लीजिए और मुझे भी निर्मल कीजिए। मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि मैं अपने को शुद्ध कर लूं, कोई काबिलियत नहीं है कि मैं अपने को पवित्र कर लूं। आप कृपा कीजिए नाथ, आप मुझे, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए, जैसा चाहिए, मैं पड़ा हूं ना आपके चरणों में, मुझे वैसा ही बना दो जैसा आप चाहते हो।
मैं तो माटी हूं, कुम्हार के माटी होती है, वो माटी को कुम्हार चाहे तो सुराही बना दे, चाहे तो चिलम बना दे, चाहे तो चिलम बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए, कुम्हार के हाथ में माटी है, चक्का है, चाहे जो बनाए। हे प्रभु, हम तो आपकी माटी हैं, माटी ही तो है ये। जब आदमी मर जाता है तो क्या बोलते हैं, कहां जा रहे हो? बोले फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं। हाँ या ना? जब आदमी मर जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? अर्थी को बोला जाता है मिट्टी। एक भाषा गांव की ये भी है, कहां जा रहे हो? फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये शरीर क्या है बोलो जोर से, शरीर क्या है? माटी है। और हमारा कन्हैया है कुम्हार, हमारा कन्हैया है, हमारा कन्हैया कुम्हार है। तुम माटी हो, इस माटी के ढेले को भगवान के पास समर्पित कर दो। प्रभु, अब ये माटी आपके हाथ, चाहे तो चिलम बना दो, चाहो तो घड़ा बना दो, मर्जी आपकी। हम आपके हैं,